फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इम्यून टू क्या है और स्पोकन इंग्लिश में हम इम्यून टू का यूज कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझें। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, वर्ड इम्यून टू का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज से प्रोटेक्टेड है या कोई इंसान किसी चीज से सेफ है, यानी उस इंसान पर उस चीज की कोई असर नहीं होती या वह चीज उसे अफेक्टेड नहीं कर पाती है। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, इम्यून टू, बी सेफ आर नॉट अफेक्टेड। इम्यून टू का मतलब सेफ रहना या अफेक्टेड न होना। सी इज इम्यून टू हेडेक। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि वह हेडेक से इम्यून टू है, यानी उसे सरदर्द नहीं होती है। आमतौर पर फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर ज्यादा हार्डवर्क करें तो उनको सरदर्द हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक ऐसा आदमी मिलता है जो कहता है कि मुझे सरदर्द नहीं होती है, तो वह आदमी कहेगा आई एम इम्यून टू हेडेक, आपको सरदर्द नहीं होती है, यू आर इम्यून टू हेडेक। तो फ्रेंड्स, इम्यून टू मीन्स किसी चीज से प्रोटेक्टेड होना या कोई अफेक्ट न होना। You are immune to corruption. Friends, इस sentence का meaning है कि आप corruption से immune to हैं, यानी आप पर corruption का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी आपको corruption में उलझाए तो भी आप उलझने वाले नहीं हैं। आइए friends, next example देखते हैं। I am immune to magic. जानते friends, इस sentence का meaning हुआ कि मुझ पर जादू का असर नहीं होता, या अगर कोई इंसान मुझ पर जादू करेगा फिर भी मैं उससे अफेक्टेड नहीं हूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जादू से इम्यून टू हूं, यानी उससे प्रोटेक्टेड हूं या सेफ हूं। He is immune to cold. Friends, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसे ठंडी नहीं लगती, या वह ठंडी से अफेक्टेड नहीं होता है, या वह ठंडी से सेफ है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि मैं किसी चीज से सेफ हूं, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता या मैं उसे अफेक्टेड नहीं होता, तो आप इम्यून टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक मूवी में एक सीन देखा जहां उस हीरो ने कहा मुझे शराब चढ़ती नहीं है, यानी वो कहना ये चाह रहा था कि मैं शराब से अफेक्टेड नहीं होता हूं, यानी शराब पीने के बावजूद भी मुझे नशा नहीं होती। तो फ्रेंड्स, उस हीरो ने कहा मुझे चढ़ती नहीं है या मुझे शराब की नशा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंटेंस को बोलना चाहें तो आप कहेंगे आई एम इम्यून टू वाइन, यानी मैं वाइन से इम्यून टू हूँ, शराब का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता, यानी मैं उससे अफेक्टेड नहीं होता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां पर आपको कहना हो कि मैं किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होता हूं, यानी वो चीज मुझको नुकसान नहीं पहुंचाती है, या मैं उस चीज से सेफ हूं, तो आप इम्यून टू का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।